राज्य गठन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और अब आंदोलनकारियों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रवर समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ा दिया गया है, जिस पर राज्य आंदोलनकारियों में रोष व्याप्त है। एक तरफ दीपावली और राज्य स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण मिलने के इंतजार में थे, लेकिन समिति का कार्यकाल और बढ़ाए जाने के बाद उन्हें मायूसी हाथ लगी है। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच प्रवर समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पहुंचे, जहां प्रवर समिति की बैठक को 2 माह आगे बढ़ाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आंदोलनकारियों ने नारेबाजी की। वहीं मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री और आंदोलनकारियों के बीच गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। हालांकि बाद में प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों से मिलकर यह आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार 10% क्षैतिज आरक्षण को लेके संघर्षरत रहा है। पिछले 10 सालों से पुनर्बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। जिस प्रकार से जो गैरसैंण से उप समिति से लेके उसके बाद कैबिनेट होती है, विधानसभा सत्र होता है, प्रवर समिति बनाई जाती है, उसकी एक बैठक होती है, दो बैठक होती है, तीसरी बैठक के लिए फिर 2 महीने का, कल जब हमने पढ़ा तो आपातकाल बैठक बुला के सब में आक्रोश व्यक्त था। आक्रोश व्याप्त होने के बाद हमने जो है यहाँ पे अपना आक्रोश व्यक्त करा और प्रवर समिति के अध्यक्ष यहाँ नहीं थे, और अब जब वो आए हैं, क्योंकि उसके बीच में थोड़ा गर्मा गर्मी हुई, क्योंकि हमारी पीड़ा ये थी कि लोगों की उम्र दराज होते जा रहे हैं और ये जब सारी पोस्टें निकल जाएंगी फिर उसका हमारे लिए कोई मायने नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी इसमें और भी चीज़ें पेंच फंसी हुई है। महामहिम के यहाँ जाना है, महामहिम के यहाँ साइन होना है, एक दिन का विधानसभा सत्र लगना है, तब जाके तो अब जो है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिस स्थिति में उन्होंने अपने उनके जो दांत में दर्द था उनके, लेकिन उन्होंने सकारात्मक दृष्टि से बात करी है और ऐसा आश्वासन दिया है कि पूरे आप 2 महीने नहीं, इसको हम जल्दी से जल्दी इसको निपटा के हम जो है पटल पे लाके इसका जो है जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करेंगे और सत्र विशेष सत्र बुला के इसको निस्तारण करेंगे, क्योंकि प्रवर समिति के हस्ताक्षर जहाँ हो जाएंगे फिर जो है विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गेंद होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये प्रवर समिति जो है 1 हफ्ते के अंदर इसको कर देती है तो मैं ये मानूंगा कि कम से कम 1 कदम और हम आगे चल पाए। वहीं प्रवर समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ाए जाने को लेकर राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि जब सरकार ने कहा है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके के बदलाव आंदोलनकारी चाहते हैं वो अवश्य करे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आंदोलनकारी बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि जो समिति बनाई गई है वो जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेगी और आंदोलनकारियों को उससे फायदा होगा। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों से मैं निवेदन करना चाहूँगी, नम्र निवेदन करना चाहूँगी कि जब सरकार ने कहा है तो निश्चित तौर पर ये जिस तरह का अमेंडमेंट चाहते हैं, जिस तरह के चेंजेस चाहते हैं वो अवश्य होंगे, और इस चीज़ को सरकार ने खुद समझा, खुद देखा और ये निर्णय लिया कि हम इसकी जो लैंग्वेज है या जो उसमें लिखा गया है उसको दोबारा से एक बार पढ़ के उसको इस तरह से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आंदोलनकारियों को रिजर्वेशन मिल पाए। तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहें, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पर हमारी जो समिति बनी है वो निर्णय लेगी और आंदोलनकारियों को उस चीज से फायदा होगा। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।